हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो ये वीडियो होने वाली है पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर एक अपडेट। इस वीडियो में आपके साथ पॉलीगॉन मैटिक के रिगार्डिंग जो टीए चार्ट है वो शेयर करने वाला हूँ, कौन से क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं, एंड आपके साथ जो है ओवरऑल मार्केट के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं इंडियन मार्केट से, वो भी शेयर करूंगा। पहले पॉलीगॉन मैटिक को कवर करेंगे, फिर ओवरऑल मार्केट को कवर करेंगे। टाइम स्टैम्प आपको दिया हुआ है, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए पॉलीगॉन मैटिक की करंट वैल्यू चेकआउट करते हैं। पॉलीगॉन मैटिक करंटली 165.76 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। यूएस डॉलर्स में $2.18 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें पॉलीगॉन मैटिक जो है वो नज़र आ रहा है। इसका जो प्रॉपर टीए चार्ट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ग्रुप खोलते हैं, चार्ट चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट करने की पॉलीगॉन मैटिक की कोशिश बन रही है। अगर ये वाली हमें 530 क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिलती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम ऊपर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए नजर आए। क्रूशियल कहीं ना कहीं ये वाला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है $2.24 से लेकर $2.30 के अराउंड वाला। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलती है $2.20 के अराउंड से, जो कि एक और रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 167.44 रुपीज़ से, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको नीचे के एरियाज को टेस्ट करता हुआ पॉलीगॉन मैटिक नजर आए। तो आप अपने कुछ ऑर्डर्स $2.13 to $14 162 रुपीज़ के अराउंड लगा सकते हैं, और कुछ ऑर्डर अपने जो हैं 157 रुपीज़ के अराउंड लगा सकते हैं। अगर BTC सेम एरिया में मूव आउट करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले पॉलीगॉन मैटिक से, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के एरिया बन जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 157 रुपीज़ से लेके 162 रुपीज़ के अराउंड आप अपने कुछ बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े से ऑर्डर जो है 20% जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आप इन नीचे के एरियाज में भी 1.99 के अराउंड वो भी लगा दो एक सेफर हैंड में रहने के लिए 151.45 रुपीज़, ताकि आप एवरेज आउट हो जाओ अगर हमें यहाँ पे एक स्टीप करेक्शन BTC में देखने को मिलती है, पास्ट में देखने को मिले तो पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो अपने आपको सेफ भी लेके चलना है, ठीक है। तो कुछ एरियाज आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नो डाउट $2.07 के अराउंड में देखने को मिल सकती है। आई रिपीट 157 रुपीज़ पॉइंट 70 पैसा। फिलहाल क्रूशियल ये हुआ कि जो रात के 9:30 कैंडल क्लोजिंग है इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बने तो हम और भी अच्छे से ऊपर के रेजिस्टेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, नो डाउट एक लॉन्गर रन में तो मैं पॉलीगॉन मैटिक से 1.5 जब से हो गया है तब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिले। पिछली रैली में हम सिर्फ 7 सेंट से रह गए थे, पर मुझे लगता है कि इस बार जितनी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं पॉलीगॉन मैटिक से, एक लॉन्गर रन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉलीगॉन मैटिक आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आए। तो अगर आपने काफ़ी नीचे के एरियाज में बाइंग करी है तो आप एक्यूमुलेट करके होडल अभी कर सकते हो, ये मेरा मानना है। आन ऑर्डर ऊपर के एरियाज में जाता है तो 30 to 40% प्रॉफिट बुक आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपके साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी के जोन शेयर कर दिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस शेयर कर दिया है, चार्ट नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, फॉलो कर लो अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ से रेफरेंस के तौर पर बेसिकली चार्ट को इस्तेमाल कर लेना। हमें ये भी देखने को मिला कि इथेरियम की जो व्हेल्स है काफ़ी देर से मिलियंस ऑफ टोकन्स मैटिक एक्यूमुलेट कर रही हैं, जिसका भी एक मेजर रीजन रहा है कि पॉलीगॉन मैटिक में हमें इतना राइज देखने को मिला है। तो व्हेल्स अगर एक्यूमुलेट कर रही हैं तो दे विल टेक दीज टाइप ऑफ टोकन्स हाई, जिनके यूज केस भी अच्छे हैं, तो वो चीज़ हमें होते हुए नज़र आ सकती है। तो पॉलीगॉन एक, मैं हर टाइम बोलता हूँ कि पॉलीगॉन एक ऐसा टोकन है जो आपके पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेटेड होना चाहिए। तो ये बात तो होगी पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। फिलहाल जो क्रूशियल चीज़ है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन करंटली हमें 49,155 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका टीए चार्ट भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है, उसको भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर लो। आप देख सकते हो लगातार जो ये वाला रेजिस्टेंस आपके सामने हमने 49,300 वाला शेयर किया हुआ है, उधर बार बार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। मैंने आपके साथ रात को भी शेयर किया था, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज चार्ट के साथ शेयर किए थे कि 50,000 क्लोजिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये वाला क्रूशियल है, ये वाली अगर हमें 200 mm रिक्लेम कर लेते हैं तो हम ऊपर के एरिया में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो वो चीज़ हमें होते हुए नजर आई है, तो रिकमेंड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, क्योंकि वीडियो बनाना मुश्किल रहता है पर टाइम टू टाइम हम टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टेंट देते रहते हैं। तो वो चीज़ है, नो डाउट मेरा अभी भी मानना है कि जब हम 50,400 को अगर हम रिक्लेम कर लें कल तक, उसके बाद बाय दी एंड ऑफ दिस वीकली क्लोजिंग जो हम $53,000 के अराउंड के एरिया में कर ले, तो हम 46,700 मेरा बॉटम हो सकता है और वहाँ से ऊपर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग्स कहाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे इंडियन मार्केट से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है, जेजी एंड जैक डर्सी टू फंड बिटकॉइन डेवलपमेंट इन अफ्रीका एंड इंडिया विद, जो हमें देखने को मिल रहा है, विद $24.5 million। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, टू एनहांस द
पेनिट्रेशन रेट एंड अडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन ऑन अफ्रीकन एंड इंडियन सॉइल्स अमेरिकन रैपर शॉन कोरी कार्टर पॉपुलर नोन एज जेजी एंड जैक डार्सी द को फाउंडर ऑफ ब्लॉक INC एंड फॉर्मर ट्विटर CEO आर गिविंग अवे 24 मिलियंस इन BTC फॉर देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें जो है देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे न्यूज़ ब्लॉकचेन। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है बिटकॉइन स्पाइक 3 के डेली फॉलोइंग द फेड रेट डिसीजन। तो बेसिकली फेड ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स को अनटच्ड किया जाएगा, उनको यहाँ पे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण हमें एक स्पाइक देखने को मिला। और आपके साथ हमने कल की जो हमने लाइव स्ट्रीम करी थी उसमें एक बहुत क्रूशियल चीज़ बोली थी, अगर यहाँ पे हमें फेवरेबल आउटपुट्स देखने को मिलते हैं फेड के अनाउंसमेंट्स में तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो वो चीज़ हमें होते हुए नजर आई है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि न्यूज़ अपडेटेड से बहुत न्यूज़ से काफ़ी अपडेट्स आपको मिलती हैं, तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है न्यूज़, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फिलहाल जो मेरा कंटेंट था वो यहीं तक था। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल करो ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स आते रहें। फिलहाल मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।